गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही है, अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं बैकलैश के पेपर व्यू को शुरू होने में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग होने वाला है। यानी कि यहाँ पर हमें काफी कुछ बड़ी एंड शॉकिंग चीजें देखने को मिलने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि आखिरकार ब्लड लाइन वर्सेज ड्रू मैकइंटायर एंड आरके ब्रो के सिक्स मैन टैग टीम मैच में हमें क्या कुछ बड़ा शॉकर देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले मैं फटाफट से आप सबको पूरे बैकलैश पेपर व्यू के बैटिंग ऑर्ड्स बता देता हूँ। तो गाइज, आप सब जानते हो किसी पेपर व्यू के मैक्सिमम रिजल्ट्स बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, जो भी ऑर्ड्स एंड मौके पर चलते हैं। और आप सब भी इसे जानना चाहते हो एंड मैं हर पेपर व्यू से पहले शेयर कर देता हूं। तो फटाफट से बैकलैश के ऑर्ड्स के बारे में बात कर ली जाए, तो शुरुआत कर लेते हैं कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच से। देन लास्ट टाइम जब इनका मैच हुआ था, देन वहां पर जीत हुई थी कोडी रोड्स की। और गाइस, इस बार भी बैटिंग ऑर्ड्स कोडी रोड्स को फेवर करिए, यानी कि वो हराने वाले सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है एज वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच। एंड लास्ट टाइम जब इनका मैच रेसलमेनिया में हुआ था, देन वहां पर जीत हुई थी एज की। बट इस बार डायमंड प्रिंस बाहर रहने वाले रिंग साइड से, तो सभी को लग रहा है कि यहां पर जीत होने वाली है एजे स्टाइल्स की। बट बैटिंग ऑर्ड्स फेवर कर रही है एज को कि वो हराने वाले एजे स्टाइल्स को। और आप सबको बता दूं, ऐसे भी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि भले डायमंड प्रिंस रिंग साइड में नहीं आ सकते, हो सकता है हमें एक और न्यू मेंबर ज्वाइन करते हुए दिख जाए एज की फैक्शन को, जिसका नाम है जजमेंट डे। तो लेट्स सी अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो कौन होता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है बॉबी लेसली वर्सेस ओमोस के बीच, जिसके लिए भी फैंस एक्साइटेड है। एंड लास्ट टाइम तो यहाँ पर हमें जीत देखने को मिली थी बॉबी लेसली की, लेकिन इस बार गाइस जो बैटिंग ऑर्ड्स फेवर कर रही है वो कर रही है ओमास को कि वो हराने वाले है बॉबी लेसली को एंड जीतने वाले इस मैच को। एंड मैंने आप सबको बताया ये है कि अगर यहाँ पर बॉबी लेसली हारते, देन उसके पीछे जो बड़ा रीजन होने वाला है वो है एमवीपी। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है एक सिंगल्स मैच हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस मैडकैप मॉस के बीच। सो ये दोनों दोस्त थे बट अब अलग हो चुके, लेकिन बात कर ली जाए कि बैटिंग ऑर्ड्स किसे फेवर कर रही है। देन गाइस, यहां पर बैटिंग ऑर्ड्स फेवर कर रही है मैडकैप मॉस को कि वो हराने वाले इस मैच में हैप्पी कॉर्बिन को। और आप सब जानते हो इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन कॉर्बिन के लिए, अब लेट्स सी क्या कुछ होता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच रोंडा रोजी वर्सेस शार्लोट फ्लेयर के बीच। तो सभी चाह रहे थे कि रोंडा रोजी बन जाए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रेसलमेनिया में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बट गाइज, हो सकता है ये चीज हमें देखने को मिल जाए रेसलमेनिया बैकलैश में, बिकॉज बैटिंग ऑर्ड्स यहाँ पर फेवर कर रही है रोंडा रोजी को कि वो बुलवाने वाली है आई क्विट शार्लोट फ्लेयर को एंड जीतने वाली है इस मैच को। यानी कि पॉसिबली रेसलमेनिया बैकलैश में आप सबको न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन क्राउन होते हुए दिखने वाला है। इसके बाद फाइनली जो हमें सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है वो होने वाला है ड्रू मैकइंटायर एंड आरके ब्रो वर्सेस दी ब्लड लाइन के बीच। सो इस मैच से रिलेटेड शॉकिंग चीजों के बारे में तो मैं एंड में बात करूंगा, लेकिन अभी बात कर ली जाए यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स किसे फेवर कर रही है कि कौन जीतने वाला है इस सिक्स मैन टैग टीम मैच को। तो गाइस, यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स साथ दे रही है ड्रू मैकइंटायर एंड आरके ब्रो का कि वो हराने वाले दी ब्लड लाइन को। सो गाइस, यही थे रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू के एंड मौके पर बैटिंग ऑर्ड्स। वैसे नीचे कमेंट कर आप सब जरूर से बता रहे कि आपको क्या लगता है इनमें से हमें किस मैच का रिजल्ट बैटिंग ऑर्ड्स के अगेंस्ट जाते हुए दिख सकता है। तो अब फाइनली बात कर लीजिए उस शॉकिंग थिंग के बारे में, जो कि हमें देखने को मिल सकती है ड्रू मैकइंटायर एंड आरके ब्रो वर्सेस दी ब्लड लाइन के सिक्स मैन टैग टीम मैच में। देन स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों टीमों की ब्रॉल कराकर ठीक ठाक सी हाइप क्रिएट कर दिए इस मैच के लिए, और सभी वेट करे बैकलैश के पेपर व्यू का कि जब इनका सिक्स मैन टैग टीम मैच होगा तो वहां पर किसकी जीत होगी। एंड यस, सभी लोग यहां पर यही सोच रहे हैं कि इस मैच में जीत होने वाली है ड्रू मैकइंटायर एंड आरके ब्रो की, एंड वो इस मैच को जीतने वाले किसी उसो को पिन कर, जो कि सही भी है। बट गाइस, एक चीज जो आप सबने नोटिस की होगी, जब भी ब्लड लाइन और ड्रू मैकइंटायर एंड आरके ब्रो की टीम आमने सामने आती है, देन हर बार वहां पर स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है ड्रू मैकइंटायर एंड आरके ब्रो को। और हम सब जानते हैं मैक्सिमम डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में फॉर्मेट यही रहता है, जो भी सुपरस्टार जीतने वाला किसी पेपर व्यू में उसे थोड़ा वीक दिखाया जाए। बट यहाँ पर लगातार तीन बार ब्लड लाइन को वीक दिखाया गया, तो गाइस इसके चांसेस जरूर से है आप सबको ब्लड लाइन की जीत होते हुए दिख सकती है। लेकिन क्या ब्लड लाइन आप सबको क्लियरली हराते हुए दिखने वाली है ड्रू मैकइंटायर एंड आरके ब्रो को? तो गाइस, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता है देन जरूर से यहाँ पर कुछ ना कुछ शॉकिंग थिंग होने वाली है, और जिस शॉकिंग थिंग के बारे में मैं बात कर रहा था वो कुछ और नहीं, वो है रोमन रेंस के कजन एंड उसोस के यंगर ब्रदर सोलो सिकुआ का इंटरफेरेंस। तो अगर आप सब एनएक्सटी 2.0 देखते होंगे, देन आप सब सोलो सिकुआ को अच्छे से जानते होंगे, उन्हें क्राउड की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन भी मिलता है। और ऐसी स्पेकुलेशन तो काफी टाइम से लगाई जा रही है कि जब भी वो मेन रोस्टर में आएंगे देन वो ज्वाइन कर लेंगे ब्लड लाइन को। सो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अचानक से ये सिक्स मैन टैग टीम मैच इसलिए प्लान किया हो बिकॉज उन्हें करवाना हो सोलो सिकुआ का मेन रोस्टर डेब्यू। एंड अगर ये चीज बैकलैश के एंडिंग में हो जाती है तो जरूर से कोई फैंस डिसअपॉइंट नहीं होने वाले बैकलैश के पेपर व्यू से। सो लेट्स सी कि अगर ब्लड लाइन जीतने वाली है रेसलमेनिया बैकलैश में, तो क्या वहां पर हमें सोलो सिकुआ आकर ब्लड लाइन की हेल्प करते हुए दिखते हैं या फिर नहीं।
लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना है क्या आप चाहते हो सोलो सिक्वा ज्वाइन कर ले ब्लड लाइन को या फिर उसोस एंड रोमेडेंसी काफी है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज जैसा कि आप सब जानते ही हैं अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं बैकलैश के पेपर व्यू को शुरू होने में जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग होने वाला है। यानी कि यहां पर हमें काफी कुछ बड़ी एंड शॉकिंग चीजें देखने को मिलने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं कि आखिरकार ब्लड लाइन वर्सेज ड्रू मैकएंटायर एंड आरके ब्रो के सिक्स मैन टैग टीम मैच में हमें क्या कुछ बड़ा शॉकर देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले मैं फटाफट से आप सबको पूरे बैकलैश पेपर व्यू के बैटिंग ऑर्ड्स बता देता हूं। तो गाइज आप सब जानते हो किसी पेपर व्यू के मैक्सिमम रिजल्ट्स बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग ही रहते जो भी ऑर्ड्स एंड मौके पर चलते और आप सब भी इसे जाना चाहते हो एंड मैं हर पेपर व्यू से पहले शेयर कर देता हूं। तो फटाफट से बैकलैश के ऑर्ड्स के बारे में बात कर ली जाए तो शुरुआत कर लेते कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच से। देन लास्ट टाइम जब इनका मैच हुआ था देन वहां पर जीत हुई थी कोडी रोड्स की और गाइस इस बार भी बैटिंग ऑर्ड्स कोडी रोड्स को फेवर करिए यानी कि वो हराने वाले सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है एज वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच। एंड लास्ट टाइम जब इनका मैच रेसलमेनिया में हुआ था देन वहां पर जीत हुई थी एज की, बट इस बार डायमंड प्रिंस बाहर रहने वाले रिंग साइड से तो सभी को लग रहा है कि यहां पर जीत होने वाली है एजे स्टाइल्स की, बट बैटिंग ऑर्ड्स फेवर कर रही है एज को कि वो हराने वाले एजे स्टाइल्स को। और आप सबको बता दूं ऐसे भी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि भले डायमंड प्रिंस रिंग साइड में नहीं आ सकते हो सकता है हमें एक और न्यू मेंबर ज्वाइन करते हुए दिख जाए एज की फैक्शन को जिसका नाम है जजमेंट डे। तो लेट्स सी अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो कौन होता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है बॉबी लेसली वर्सेस ओमोस के बीच जिसके लिए भी फैंस एक्साइटेड है। एंड लास्ट टाइम तो यहां पर हमें जीत देखने को मिली थी बॉबी लेसली की, लेकिन इस बार गाइस जो बैटिंग ऑर्ड्स फेवर कर रही है वो कर रही है ओमास को कि वो हराने वाले है बॉबी लेसली को एंड जीतने वाले इस मैच को। एंड मैंने आप सबको बताया ये कि अगर यहां पर बॉबी लेसली हारते देन उसके पीछे जो बड़ा रीजन होने वाला है वो है एमवीपी। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है एक सिंगल्स मैच हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस मैडकैप मॉस के बीच। सो ये दोनों दोस्त थे बट अब अलग हो चुके, लेकिन बात कर ली जाए कि बैटिंग ऑर्ड्स किसे फेवर कर रही है देन गाइस यहां पर बैटिंग ऑर्ड्स फेवर कर रही है मैडकैप मॉस को कि वो हराने वाले इस मैच में हैप्पी कॉर्बिन को। और आप सब जानते हो इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन कॉर्बिन के लिए, अब लेट्स सी क्या कुछ होता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप का मैच रोंडा रोजी वर्सेस चार्लोट फ्लेयर के बीच। सो सभी चाह रहे थे कि रोंडा रोजी बन जाए स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन रेसलमेनिया में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बट गाइज हो सकता है ये चीज हमें देखने को मिल जाए रेसलमेनिया बैकलैश में बिकॉज बैटिंग ऑर्ड्स यहाँ पर फेवर कर रही है रोंडा रोजी को कि वो बुलवाने वाली है आई क्विट चार्लोट फ्लेयर को एंड जीतने वाली इस मैच को। यानी कि पॉसिबली रेसलमेनिया बैकलैश में आप सबको न्यू स्मैक डाउन वुमेन चैंपियन क्राउन होते हुए दिखने वाला है। इसके बाद फाइनली जो हमें सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है वो होने वाला है ड्रू मैकएंटायर एंड आरके ब्रो वर्सेस दी ब्लड लाइन के बीच। सो इस मैच से रिलेटेड शॉकिंग चीजों के बारे में तो मैं एंड में बात करूंगा, लेकिन अभी बात कर ली जाए यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स किसे फेवर कर रही है कि कौन जीतने वाला है इस सिक्स मैन टैग टीम मैच को। तो गाइस यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स साथ दे रही है ड्रू मैकएंटायर एंड आरके ब्रो का कि वो हराने वाले दी ब्लड लाइन को। सो गाइस यही थे रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू के एंड मौके पर बैटिंग ऑर्ड्स। वैसे नीचे कमेंट कर आप सब जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है इनमें से हमें किस मैच का रिजल्ट बैटिंग ऑर्ड्स के अगेंस्ट जाते हुए दिख सकता है। सो अब फाइनली बात कर लीजिए उस शॉकिंग थिंग के बारे में जो कि हमें देखने को मिल सकती है ड्रू मैकएंटायर एंड आरके ब्रो वर्सेस दी ब्लड लाइन के सिक्स मैन टैग टीम मैच में। देन स्मैकडाउन में WWE ने इन दोनों टीमों की ब्रॉल कराकर ठीक ठाक सी हाइप क्रिएट कर दिए इस मैच के लिए और सभी वेट करें बैकलैश के पेपर व्यू का कि जब इनका सिक्स मैन टैग टीम मैच होगा तो वहां पर किसकी जीत होगी। एंड यस सभी लोग यहां पर यही सोच रहे हैं कि इस मैच में जीत होने वाली है ड्रू मैकएंटायर एंड आरके ब्रो की एंड वो इस मैच को जीतने वाले किसी उसो को पिन कर, जो कि सही भी है। बट गाइस एक चीज जो आप सबने नोटिस की होगी जब भी ब्लड लाइन और ड्रू मैकएंटायर एंड आरके ब्रो की टीम आमने सामने आती है देन हर बार वहां पर स्ट्रांग दिखाया जाता है ड्रू मैकएंटायर एंड आरके ब्रो को। और हम सब जानते हैं मैक्सिमम WWE के पास में फॉर्मेट यही रहता है जो भी सुपरस्टार जीतने वाले किसी पेपर व्यू में उसे थोड़ा वीक दिखाया जाए, बट यहाँ पर लगातार तीन बार ब्लड लाइन को वीक दिखाया गया। तो गाइस इसके चांसेस जरूर से है आप सबको ब्लड लाइन की जीत होते हुए दिख सकती है, लेकिन क्या ब्लड लाइन आप सबको क्लियरली हराते हुए दिखने वाली है ड्रू मैकएंटायर एंड आरके ब्रो को? तो गाइस मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता है देन जरूर से यहाँ पर कुछ ना कुछ शॉकिंग थिंग होने वाली है और जिस शॉकिंग थिंग के बारे में मैं बात कर रहा था वो कुछ और नहीं, वो है रोमन रेंस के कजन एंड उसोस के यंगर ब्रदर सोलो सिक्वा का इंटरफेरेंस। तो अगर आप सब NXT 2.0 देखते होंगे देन आप सब सोलो सिक्वा को अच्छे से जानते होंगे, उन्हें क्राउड की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन भी मिलता है और ऐसी स्पेकुलेशन तो काफी टाइम से लगाई जा रही है कि जब भी वो मेन रोस्टर में आएंगे देन वो ज्वाइन कर लेंगे
करेंगे ब्लड लाइन को। सो क्या पता WWE ने अचानक से ये सिक्स मैन टैग टीम मैच इसलिए प्लान किया हो बिकॉज उन्हें करवाना हो सोलो सिकवा का मेन रोस्टर डेब्यू। एंड अगर ये चीज बैकलैश के एंडिंग में हो जाती है तो जरूर से कोई भी फैंस डिसअपॉइंट नहीं होने वाले बैकलैश के पेपरव्यू से। सो लेट्स सी कि अगर ब्लड लाइन जीतने वाली है रेसलमेनिया बैकलैश में तो क्या वहां पर हमें सोलो सिकवा आकर ब्लड लाइन की हेल्प करते हुए दिखते हैं या फिर नहीं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना क्या आप चाहते हो सोलो सिकवा ज्वाइन कर ले ब्लड लाइन को या फिर उसोस एंड रोमन रेंस ही काफी है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।